Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack G NEET on PregP practice app. Download now. Hello. Rafis, how are you? Now let us come on to some useful forms. यहाँ पे लिखा हुआ useful forms. लेकिन मैं आपको बता देता हूँ. How do we handle series? या सब्स्टिट्यूशन टेक्निक बोलता हूँ उसको. इससे हम बहुत सारे रिजल्ट्स निकालेंगे और आगे रिजल्ट्स निकालते चले जाएंगे, है ना. और कॉम्प्लेक्स के भी एक अच्छे रिजल्ट्स इससे आ सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा दिया हुआ है x plus y raised to the power n, एक्सपेंशन है nc not x raised to the power n, nc1 x raised to the power n minus 1 y, nc2 x raised to the power n minus 2 y square, so on and so forth. NCN x raised to the power 0 y raised to the power. अब इसके अंदर ही क्या करना है, देखो अगर इसमें मैं अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाऊं, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक इसलिए नाम दिया मैंने कि अगर मैं y को माइनस y से रिप्लेस कर दूं, है तो आइडेंटिटी फर्क तो पड़ता है. अगर आप कर दो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नई सीरीज अब माइनस NC1 x raised to the power n minus 1 प्लस NC2 x raised to the power n minus 2 y square, so on and so forth. ये आ गया. अब मैंने इतना करा था, अब मैं इसके अंदर दोनों को ऐड कर दूं. अगर दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, x plus y raised to the power n plus x minus y raised to the power n is equal to 2 times nc not x raised to the power n plus nc 2x raised to the power n minus 2 y square, so on and so forth. एक टर्म स्किप करा दी, ठीक है ना. फिर सब्सट्रैक्ट कर दूं, अब टू टाइम्स आएगा, लेकिन nc1 x raised to the power n minus 1 y, nc3 x raised to the power n minus 3 y cube, so on and so forth. तो आधी आधी टर्म्स कट गई, n minus 2 n minus 4 आधी हो गई टर्म्स, गुड. चार आइडियाज है, ठीक है. जब मेरे पास चार बातें आ गई तो मैंने क्या बोला इसके अंदर, इसमें सिंपली मैंने बोला इसमें x की वैल्यू 1 डाल देते हैं. अब देखो क्या रिजल्ट है. अब जैसे मैं इसमें x की वैल्यू 1 डाल दूंगा, आंसर आ गया 2 raised to the power n equal to, और y भी 1 डालते हैं, nc1 nc2 ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इसको हम पीएनसी में भी देखेंगे, पीएनसी में भी काम आएगा. सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 रेस टू द पावर n होता है ना. दूसरे वाले रिजल्ट में डाल दूं तो 0 इज इक्वल टू nc नॉट, सेकंड रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, nc नॉट माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो हम यहां से लिख सकते हैं nc नॉट प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस nc6, ये पूरा इज इक्वल टू nc1 nc3, ठीक समझ आए. अब देखो इन दोनों का जो सम है वो 2 रेस्ट टू द पावर n है ना, और दोनों बराबर भी हैं. एक का सम कितना जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर n बाय 2. एक रिजल्ट, दो रिजल्ट, अब यहाँ पे तुम y की वैल्यू 2 डाल दो, नया रिजल्ट जनरेट. अब x इक्वल टू 1 डाल दो और y की वैल्यू 2 डाल दो तो नया सेट ऑफ रिजल्ट जनरेट हो गया. अब क्या आ जाएगा, 3 रेस टू द पावर n इज इक्वल टू nc नॉट प्लस 2 nc1 प्लस 2 स्क्वायर nc2, सो ऑन सो ऑन एंड सो फॉर 2 रेस टू द पावर nc. चौथा बहुत सबसे नोन फॉर्म इसका ये हुआ कि हम x को 1 ही पुट कर देंगे और y को एक्सपोर्ट कर देंगे. तो दिस विल बिकम 1 प्लस x रेज टू द पावर n इक्वल टू nc नॉट प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर, सो ऑन. अब आप सोचो कि जो मैं सेकंड और फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट निकाल रहा हूं वो कैसे निकाल रहा हूं, मैं इस सीरीज के अंदर क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी nth रूट ऑफ इनफिनिटी पुट कर रहा हूं. तो 1 पुट किया, माइनस 1 पुट किया, ऐड करा, सबट्रैक्ट कर दिया, अल्टरनेट टर्म्स छोड़ दें. और आपने क्या पुट करा, आपने x square equal to 1 के रूट्स पुट करे, राइट.
अब आप दो सोचो 2 मिनट के अंदर कि अगर मैं इसके अंदर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के रूट्स पुट करके ऐड सबस्ट्रैक्ट करता फिर क्या था? क्यूब रूट इनफिनिटी। अब हमने देखो करके देखते हैं, तो मैंने बोला 1 प्लस 1 रेज़ टू द पावर n, तो आप बोलोगे तो रिजल्ट पता है आपको। फिर मैंने बोला ठीक है ओमेगा पुट कर देते हैं, ये हो गया nc नॉट nc1 ओमेगा nc2 ओमेगा स्क्वायर सो ऑन एंड सो फॉरथ। आपने बोला ओमेगा स्क्वायर पुट कर देते हैं है ना, तो जैसे ही तुमने पुट किया अब आ गया nc नॉट nc1 ओमेगा स्क्वायर nc2 ओमेगा, ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 ओमेगा ही हो जाएगा ना, nc3 ओमेगा रेज़ टू द पावर 6। अब आप जैसे इन तीनों को ऐड करोगे अब आप ऑब्जर्व करो क्या होगा, यहाँ तो आ गया 2 रेज़ टू द पावर n प्लस माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ रेज़ टू द पावर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस ओमेगा रेज़ टू द पावर n। राइट हैंड साइड पे क्या हो गया, देखो ये ऐड हो जाएंगे 3 टाइम्स और ये देखो यहाँ पे क्या जाएगा nc1 का कोफिशिएंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 तो 0 हो जाएगा। थर्ड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 राइट हाँ, फिर nc3 आएगा सो ऑन एंड सो फॉरथ। तो अब आपने 2 टाइम स्किप कर दिए समझ आए, तो अगर आपको 1 टाइम स्किप करना है तो आप स्क्वायर रूट ऑफ इनिटी डाल दो, 2 स्किप करने हैं क्यूब रूट ऑफ इनिटी डाल दो, 4 स्किप करने हैं 3 स्किप करने हैं फोर्थ रूट ऑफ इनिटी डाल दो, जितने स्किप करने हैं उससे एक ज्यादा क्यूब रूट ऑफ इनिटी आप डाल के सिंपलीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। राइट समझ गए, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पिक्चर के अंदर आ गया ठीक समझ आ गया।